और मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरी औकात ये थी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं 15-16 साल का था तो मेरे 10th में 76% मार्क्स आए थे। अब 76% आप जानते हो, इतना अच्छे मार्क्स, वो भी मिडिल क्लास मार्क्स हैं, मिडिल ऑफ द क्लास। तो मैं 15-16 साल का था, मैं घर आया, घर पे मेरे मामा जी आए हुए, मम्मी बैठी हैं डाइनिंग टेबल पे, सब आसपास बैठे हैं, थोड़ा शोक का मातम साया हुआ है। 76% आ गए, बैठे हैं लोग चुपचाप खाना खा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद बोला मामा जी ने, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। इंडिया में एक ये बड़ा, उनको लगा कि बहुत बड़ी बात कह दी है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। अब सोचो मेरे अंदर क्या फीलिंग आ रही है, मुझे लगा मैं भी कुछ कर सकता हूं, पर ज्यादा होप नहीं है मुझसे। मेरी औकात मेरे दिमाग में घूम रही है कि 76% वाली औकात है बेटे अब तुम्हारी। अच्छा, या तो तुम कोई बहुत बड़े बिलियनर के बेटे हो, फिर तो 76 भी आ जाए तो कोई बात नहीं। आप मिडिल क्लास घर से हो और आपके मिडिल क्लास मार्क्स आ गए, फिर तो बेटे आपकी औकात इतनी है। चलो बेटे कोई बात नहीं, गुड नाइट। ठीक है भाई, मैं अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में जाके मैंने कहा मैं करूंगा क्या, तो मैंने एक प्लान बनाया अपनी औकात के हिसाब से। उस टाइम पे इंडिया में एक लेटेस्ट चीज आई थी, जो आप यंग जनरेशन डजंट इवन नो दिस, एसटीडी बूथ। ये सोफे में जो बैठे हैं उनको पता है, हमें याद है 10 बजे रात को रेट सस्ते होते थे, लाइन लगने, यहां से बड़ौदा फोन करना है आपको लाइन में लगना पड़ता था। इट्स नॉट लाइक आज की डेट में व्हाट्सएप वीडियो कॉल, दूर दूर की बात है। तो उस टाइम ये एसटीडी बूथ आ रहे थे, तो मैंने कहा यार ये खोलूंगा मैं, और अगर मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया तो मेरे 2 हो जाएंगे और एक दिन मैं 4 एसटीडी बूथ चलाऊंगा। मेरा ये सपना हो गया। सर ने कहा सपना पूरा करना सक्सेस, ये मेरा औकात, इट इज लाइक औकात के बराबर सपना लेना। मैंने ले लिया। मैंने जाके अगले दिन डाइनिंग टेबल पे फिर बोला, अच्छा देखो मेरा ये प्लान है, मैं एसटीडी बूथ खोलूंगा और ऐसे ऐसे हो जाएगा, बड़ा अच्छा है, लोग आएंगे पैसे देके जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो हम लड़कियों को फोन करेंगे, इट्स नॉट बैड बिजनेस। ये नहीं बोला मैंने मम्मी को, पर मैंने कहा एसटीडी बूथ खोलना, ठीक है। मामा जी ने कहा ठीक लग रहा है, इतना तो कर लेगा, ठीक है, गुड प्लान। अब वो प्लान आज की डेट में पता नहीं क्या कर रहा होता, एसटीडी बूथ ही नहीं, अब मैं जियो के सिम बेच रहा होता या पता नहीं। एनीवे, मैं फिर से रूम में गया और मैंने देखा कि यार मैं 15 साल का हूं और मेरी लाइफ का फैसला हो गया, मेरी औकात का ठप्पा मेरे ऊपर लग गया कि बेटे तुम्हारी औकात है, अब जाके एसटीडी बूथ खोलो और जीवन बिताओ, इससे अब बड़ा सपना नहीं लेना। तो मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई है, ये तो लोगों ने मेरे को एक साइड पे कर दिया और ये कल मेरे 10th में मार्क्स इतने आ गए उस वजह से। मैं कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो लोग मुझे बोले नहीं यार इस मतलब ऐसा नहीं है, और भी कुछ कर सकता है। तो मैंने कहा यार इंडिया का सबसे मुश्किल कॉलेज कौन सा है जिसमें एडमिशन, मतलब मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं थी, तो मैंने पता किया कि भाई IIT है। IIT में अगर आप का हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर उसके लिए 2 साल की तैयारी थी। तो मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए ये करना पड़ेगा, नहीं तो कोई मुझे उसके आगे सोचेगा नहीं। तो मैंने उस हिसाब से उस औकात को क्रॉस करने के लिए मैंने वो IIT की तैयारी की, फिर मेरा हो गया। फिर मामा जी फिर आए घर, फिर उन्होंने कहा वैसे कुछ ना कुछ तो था इस लड़के में, मुझे हमेशा से लगता था कुछ है इसमें। मैं कहा तब तो कहा नहीं कुछ, तो उनका नहीं। तो जब औकात क्रॉस हो जाती है तो लोग आपको मानने भी लगते हैं। और एक बार मैंने फिर जब वो क्रॉस किया तो मैंने सीखने की कोशिश की कि ये कैसे किया मैंने, हाउ आई वॉज एबल टू डू दिस। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत जीनियस था, मेरे 76% मार्क्स आए थे, ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई बहुत ही स्टेट टॉपर था। तो मैंने कहा कुछ मैंने क्या तरीका अपनाया इसको करने के लिए और क्या मैं और चीज़ों में कर सकता हूँ।
वही तरीका मैंने आईएम एडमिशन के लिए किया, वही तरीका मैंने पहली बुक लिखने के लिए किया, वही तरीका मैंने फिल्मों में जाने के लिए किया, और उससे मैंने एक पैटर्न बनाया कि सक्सेस कैसे मिलता है, स्पेशली उन लोगों को जो बॉर्न जीनियस नहीं है। मैं तो नहीं हूँ। दो तरह के लोगों को बुलाया जाता है ऐसे टॉक्स पे, एक तो जो सुपर जीनियस है, अभी आप सचिन तेंदुलकर को बुला लो, आप बोलोगे अरे वाह सचिन तेंदुलकर आ गए, यू विल बी वेरी इंप्रेस्ड, लेकिन अंदर से आपको पता है कि ये सचिन वाला टैलेंट मेरे में तो है नहीं, मैं तो नहीं वैसे बैट घुमा सकता, तो अच्छी बात है देखना, लेकिन आप वो नहीं बन सकते। लेकिन कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको देख के लगता है यार इसकी निकल पड़ी तो मेरी भी हो सकती है, ऐसे नमूनों की ज्यादा वैल्यू है, मैं उनमें से एक हूं, अगर मेरा हो गया तो आपका भी हो सकता है। तो कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा बताने की, आई विल ट्राई टू टेल यू दिस, पर पहली बात ये है, आप चाहते हो ना स्टूडेंट्स की लोग आपको सक्सेसफुल माने घर में आसपास सब कुछ, कुछ ऐसा करो जो आपकी औकात पार हो जाए, सबकी अपनी अपनी औकात होगी, उसको उसके बराबर रहोगे तो नहीं लोग मानेंगे, यू नो कुछ और करना पड़ेगा, जो आपका फैमिली ने अचीव किया उससे नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, तब लोग आपको मानते हैं, आपने क्लियरली एग्जांपल में देखा।